सर बात करें फिल्म करियर जो देवरिया में शूटिंग चल रही है, नाम बहुत अट्रैक्टिव है फिल्म में, आप एक अहम रोल में है, क्या कहना चाहेंगे करियर के बारे में बात की जाए तो? जब पहली बार मैंने भी इस टाइटल को सुना तो मुझे भी लगा कि यार भोजपुरी का ये बड़ा टिपिकल शब्द है, ये गांव में बोला जाता है करिया, और वही उठाया गया है और बड़ा अच्छा टाइटल। टाइटल तो ऐसा होना ही चाहिए कि लोग सोचे कि है क्या इसमें। टाइटल का मतलब ये होता है कि पूरा जो है 3 घंटे या 2.5 घंटे की जो मूवी होती है उसका एक सार, एक संक्षिप्त, तो उसमें लोग सोचे कि करिया में आखिर होगा क्या, क्योंकि तो टाइटल किसी भी फिल्म के लिए टाइटल एक बड़ा अहम भूमिका होता है, और टाइटल बहुत ही प्यारा है और बिल्कुल भोजपुरी टैग है, ये भोजपुरी से जुड़ा हुआ है। और आप लोगों को बता दूं कि भोजपुरी के अलावा ये तेलुगु में भी बन रही है, 2 भाषाओं में बन रही है, और बहुत अच्छा प्यारा रोल भी है इसमें मेरा। और चूंकि मैं पूरा मैं भी ब्लैक ब्लैक पहना हूँ ऊपर से नीचे तक, करिया मैं भी हूँ, और इसमें जब आप लोगों को ये फिल्म सिनेमा हॉल में आएगी तब पता लगेगा कि करिया कौन है, मैं करिया हूँ कि इस फिल्म के जो हीरो हैं अंगद जी वो करिया हैं। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि पेचीदा है, सोचने पे मजबूर करेगा कि करिया आखिर है कौन, हीरो की विलन किस पे टाइटल रखा गया, ये भी इस फिल्म में बड़ा कहने का मतलब जिसको यूएसपी बोलते हैं है, यूएसपी इस फिल्म का कि करिया कौन है, हीरो की विलन। तो ये तो आप लोगों को जब फिल्म देखने को मिलेगा तब पता चलेगा। और आप गोरे दिख रहे हैं, अब करिया भी तो हीरो इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, तो पब्लिक अभी इंतजार करेगी कि हीरो का वाइट कब आएगा और कब दिखेगी कि करिया है कि गोरे हैं। फिलहाल आप गोरे हैं। हाँ, मैं गोरा तो हूँ, लेकिन जो है इसमें दिल काला है फिल्म में। वैसे तो मेरा दिल बहुत साफ सुथरा है और हमेशा सबका अच्छा सोचता हूँ, कभी नहीं चाहता कि किसी का मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो, जाने जाने में हो गया हो तो कोई बात नहीं है। अंगद कुमार जी की बात की जाए, मल्टी टैलेंटेड कहे जाते हैं सेट पे, हर किसी की जबान से निकला मल्टी टैलेंटेड, आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या नाम देना चाहेंगे और मल्टी टैलेंटेड है तो क्यों है? देखिए, किसी भी अभी व्यक्ति को मल्टी टैलेंटेड तभी कहा जाता है जिस उसमें बहुत सारे गुण। तो चूंकि एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और उसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि जो है कैमरा मैन को भी, जो सिनेमेटोग्राफर है उनको भी ये हैंडल करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि भाई ये शॉट लो वो शॉट लो, तो ये सब में नहीं होती। मल्टी टैलेंटेड जो है पर्सन बहुत कम ही होते हैं, उनमें से जो है हमारे जो है अंगद जी जो इस फिल्म के हीरो हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, नो डाउट। और उसके अलावा एक और जो बहुत अच्छा गुण है उनके में, एक या और मैं कह सकता हूँ कि और भी 2-4 हैं, जैसे कि वो बहुत ही नेक दिल इंसान है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज के दौर में अच्छा इंसान मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार, हम भी दुनिया देख रहे हैं, तो अच्छा इंसान तो बड़ा मुश्किल से मिलता है, आज के दौर की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा मेहनती, इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतनी जिम्मेदारियाँ ली हुई है, फिर भी मस्त रहते हैं, चेहरे पर खुशी का भाव रहता है, ये बड़ा कम देखने को मिलेगा कि इतनी जिम्मेदारी लेने के बाद बहुत सारे लोग ले लेते हैं, उसका फिर बोलते हैं अरे यार क्या बताऊं यार इतनी जिम्मेदारियां हैं मेरे पास, ये सारी चीज़ें उनके फेस पे नहीं दिखती, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। आपके किरदार की बात की जाए तो इसमें नेगेटिव है पॉजिटिव, क्योंकि अभी तो आप हर प्रकार के रोल कर रहे हैं। नहीं, इस पे भी नेगेटिव ही है, बहुत अच्छा रोल है मुन्ना यादव का, और मुझे लगता है कि दर्शक हमेशा हर रूप में मुझे सराहे हैं, चाहे वो मैं भी अपने YouTube चैनल के लिए गाना लेके आया था, तो गाने में मैंने जो एज अ हीरो किया अपने YouTube चैनल के लिए, या फिर फिल्मों में बहुत सारे फिल्मों में मैंने पॉजिटिव कैरेक्टर किया हूँ, बहुत सारे फिल्मों में मैंने विलन किया है, तो मुझे दर्शकों ने हर रूप में स्वीकारा है, बोलते हैं कि आप हर रूप में अच्छे लगते हैं हम लोग को, तो मैं दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ऐसी प्यार आशीर्वाद देते रहिए, और मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं भी कोशिश करता रहता हूँ कि अच्छा अच्छा काम करूं। पता है जब कभी मुझे लगता है कि यार मैं आज अच्छा काम नहीं किया और अच्छा एक्टिंग कर सकता था या और बेहतर हो सकता था, तो मैं सोता नहीं रात भर। क्यों नहीं सोता? क्योंकि मैं भी सोचता हूँ ना कि जो मुझे देखने आते हैं उनको भी कुछ अपेक्षाएँ होती होंगी मेरे प्रति, इस सोच को लेकर मैं बड़े परेशान रहता हूँ, अपने काम को लेकर बड़ा परेशान रहता हूँ, आज इतने काम करने के बावजूद भी मैं चिंतित रहता हूँ काम को लेकर,
तो इसलिए कि आप लोग इतना प्यार देते हो, तो मेरा भी ये कोशिश रहना चाहिए कि आप लोगों के लिए अच्छा काम दो, ताकि आप लोग और प्यार करें। करिया की दो सबसे बड़ी खासियत तो है कि एक तो इसका टाइटल बहुत डिफरेंट है, दूसरे की इसमें जो है वो साउथ के एक्टर जो अंगद जी हैं भोजपुरी में आ रहे हैं, एक ये हुआ कि यार साउथ के एक्टर भी भोजपुरी कर रहे हैं, एक ये USP है, तो ये दो चीज़ें तो बहुत। और फिर इस फिल्म की जो स्टोरी है, टेक्नीशियन है और सब पे अच्छा वर्क हो रहा है, और अंगद जी ने इस चीज़ को बखूबी निभा भी रहे हैं, तो ये तीन चार चीज़ें हैं और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि एक अच्छा फिल्म बनाया जाए, और मुझे उम्मीद है कि दर्शक हमारी इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं हम सभी को, और अंगद जी की ये फिल्म करिया जब आएगी, पहले ट्रेलर आएगी, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस ट्रेलर को जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादा संख्या में देखें, और हम लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी जो है इंडस्ट्री और भी भाषाओं की, जैसे भी साउथ में की भाषा में बन रही है, तो वहाँ से हमको जो है एक लगाव मिले, वहाँ से हम लोगों का एक जुड़ाव हो, और भी जो है वहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर आएँ और हमारे भोजपुरी को आगे बढ़ाएँ, तो ये प्रयास है, और इस प्रयास में आप लोग हम लोग का साथ देंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो हैं हम आज वो सब आप लोगों के बदौलत हैं, तो आप लोग अपना प्रयास निरंतर बनाए रखें और कोशिश करें कि फिल्मों को सिनेमा हॉल में जाके देखें। कौन कौन फिल्में लेके आ रहे हैं? फिल्में तो बहुत सारी हैं, मुझे लगता है कम से कम 20-25 फिल्में बन गई हैं, अभी कौन सी फिल्म रिलीज होगी अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया, क्योंकि अभी कोरोना काल के बाद अभी सिनेमा हॉल धीरे धीरे ओपन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी सिनेमा हॉल नेक्स्ट ईयर, मतलब मुझे लगता है कि 2022 से प्रॉपर ओपन होने लगेगा, तो अभी तो बहुत सारी फिल्में बन के तैयार है, सैया थानेदार जो है बन के तैयार है मेरी, मैं रितेश पांडे और अपना अमरपाली जी, और एक आ रही है अभी आई मिलन की रात आ रही है, दिनेश जी अमरपाली जी मैं, फिर अभी एक और आ रही है इज्जत घर आ रही है, अभी प्रमोद प्रेमी जी के साथ भी आ रही है एक घर जमाई आ रही है, आपके समर सिंह के साथ आ रही है सुहागन आ रही है, और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिनका अभी टाइटल फिक्स नहीं हुआ है, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं कि जो शूट हो चुकी हैं अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है, तो ये जो 4-5 नाम गिनाए तो ये सब बन के रेडी हैं, इनका डेट फिक्स होना है कि कब जो है सिनेमा हॉल में आएंगी, तो ये सारी फिल्में आने वाली हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आने वाली हैं, तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें मेरे लिए भी और इस फिल्म के करियर की टीम के लिए।